Hello, this is Mukesh Chabra and you're watching Bollywood Audition Help. Guys, like and subscribe. यहाँ पर मैं आपको कास्टिंग के टिप्स देने तो नहीं आया हूँ बिकॉज आई डोंट बिकॉज फॉर मी एवरीबडी तुम ऑल यू ऑल आर ग्रेट एक्टर बिकॉज आई थिंक एवरीबडी कैन एक्ट. मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि आप पहली बार आप कहाँ पर ऑडिशन देने जा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए. आपने बोला कि लव 420 फिल्म के ऑडिशन देने जा रहा था, एक एक्ट ले जा रहा था, एक मलयालम फिल्म के जा रहा था, एक जी टीवी के लिए जा रहा था, कहीं जा रहा था. दिस इज ऑल वेक इन्फॉर्मेशन जो है. किस ऑडिशन के लिए जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर लुकिंग फॉर, वाई आर यू कॉल्ड फॉर, आर यू फिट फॉर दैट पार्ट. बिकॉज देन इफ यू कम टू द कास्टिंग डायरेक्टर, यू गो टू द कास्टिंग डायरेक्टर, बोलते हैं कि यार आप फिट नहीं होते, फिर बोले कि अच्छा यार हमारे लिए तो कुछ था नहीं, हमको क्यों मना कर दिया. बिकॉज यू गो विदाउट गोइंग एंड टेकिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. तो प्लीज जब भी आप जाते हो किसी के लिए मत जाओ, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड देन गो. और मेरे को इतना पता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं तो मुझे वो दो मिनट या पांच मिनट में, आई एम नॉट अ गॉड कि आई कैन जज इन फाइव मिनट, बट जस्ट दोस फाइव मिनट आई जस्ट वांट टू सी योर ऑनेस्टी. क्या मैं पांच मिनट में आपको जज तो करने, आई एम नॉट अ गॉड यार, क्या पांच मिनट में बोले आई कैन ओके कुछ तो बात है, आई कैन मेक योर लाइफ. नो, ऐसा कुछ नहीं होता. आई डोंट जज एनी वन, बिकॉज मुझे लगता है कि इफ दिस बॉय कैन फिट इन वासीपुर, दिस कैन फिट इन रॉक स्टार, दिस कैन फिट इन चिल्लर पार्टी, दिस बॉय कैन फिट इन अदर एनी अदर फिल्म, तो सबके लिए सब फिल्म में रोल होता है. तो ऐसा नहीं कि बट हाँ वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि दिस बॉय कैन फिट इन गैंग्स ऑफ वासीपुर, आई कैन फिट इन, इसको रॉक स्टार में डाल नहीं सकता, लवाचल में डाल नहीं सकता. वो आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड द पर्सन, नॉट कि अब वो बोलेगा सर वो हम तो सेम क्लासमेट हैं. अगर वो रॉक स्टार में होता तो मैं क्यों नहीं हो सकता, हम तो सेम क्लास में पढ़े हैं. क्योंकि मुझे ऐसे बहुत से लोग आते हैं सर हम तो सेम बैचमेट हैं, हम भी एनर्जी में सेम एनर्जी से पास आउट हुए हैं, हम भी सेम एज के हैं, हम भी सेम क्लासमेट हैं, तो मुझे क्यों नहीं ले रहे. अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग स्ट्रक्चर होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, वो अलग रिलीजन के होते हैं, अलग लैंग्वेज के होते हैं, अलग फेस स्ट्रक्चर होता है, अलग हाइट होती है, तो वो अलग ब्रीफ होता है हमारे पास. आप जाते हो आपको बोल देंगे स्क्रिप्ट दे दो, ऐसा नहीं होता है. तो आई थिंक आप जहाँ भी जाएंगे थोड़ा उनसे बात कीजिए, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा रोल को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बारे में बताइए, उनके बारे में जानिए. क्योंकि प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर और मोस्ट ऑफ द टेलीविजन पीपल एंड नेट पीपल ना, हाँ ये स्क्रिप्ट है पढ़ के बता दीजिए, आप कर लीजिए, खुद बैठे हुए हैं मोबाइल पर खेल रहे हैं, तो अटेंशन नहीं मिलता. प्रॉब्लम विद द कास्टिंग डायरेक्टर इन बॉल, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि एक्टर को प्रॉपर अटेंशन मिले. द प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर, दे गिव यू टू मिनट्स टू परफॉर्म. How can an actor can act in 2 minutes? You've gone through proper training, you need that much space. आप time spend करके जाएंगे तो I think आप जाइए उनसे बातचीत कीजिए. जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप comfortable होंगे, फिर मैं आपसे बात करूँगा, फिर आपको role दूंगा, आपके साथ time spend करूँगा, तभी तो आप perform कर पाएंगे. आप भी जादूगर नहीं, मैं भी जादूगर नहीं हूँ. But जिस भी जगह जाओ do a good performance. अगर आपको एक सीन भी मिलता है करो. मैं हमेशा बोलता हूँ, नवाजुद्दीन का example देता हूँ, राजकुमार यादव का एग्जांपल देता हूँ, और भी एक एग्जांपल देता हूँ. मेरे एक साथ में एक लड़का काम करता है, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, आकाश दहिया. उसने छोटे छोटे रोल किए ना, वो डीडे में वन ऑफ द लीड है, इरफान, अर्जुन, हुमा एंड आकाश दहिया. तो आई थिंक वो करते 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 आपको जो परफॉर्मेंस करते करते जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कोई भी एक सीन करोगे मन से कर दो, और कोई भी डायरेक्टर जो फिल्म देखने जाता है वो भूलता नहीं है कि वो एक्टर कौन था, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे इम्तियाज अली हो, चाहे राजीव रानी वगैरह. मैं इन सबके सामने एक साथ काम करता हूँ. मुझे बोलते हैं कि यार अभी 4 साल पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक एक्टर था, उसने वो सीन किया था, उसको बुला. दैट मीन दे रिमेंबर. वाई दे रिमेंबर? बिकॉज ऑफ योर वन सीन. मैं आपको वासीपुर का एक ऑडिशन दिखाना चाहता हूँ, पंकज त्रिपाठी का. आप वो ऑडिशन देखोगे, उस पर मेरा और अनुराग कश्यप का कम से कम 2 दिन तक फाइट चल रहा था. मैंने बोला कि यही होगा, नहीं बोला कि नहीं यार दूसरे एक्ट लेना है, मैंने कहा कि यही एक्टर होगा. मैंने बोला मैं ऑडिशन करता हूँ, देन यू टेक अ कॉल. तो मैं ऑडिशन दिखाता हूँ, उस ऑडिशन के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अभी कोई कमेंट नहीं. दुश्मन के साथ रिश्तेदारी बांधते बड़े हो जा रहा है फॉर अ गुड ऑडिशन. स्पेंड टाइम
on your script, not on your body and makeup. So please spend good time, and if you're going for a good audition, ask them a proper script, request them a proper co-actor. Don't just do it in front of the camera. Ask for a person, stand next to you. Tell them to give you a proper cue. Tell them to give you a proper time. Because without eye contact, I don't think so you can perform.